ऑटो रिक्शा चालकों की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष विलास भालेकर के संकल्पना से टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन का गठन किया गया है। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य ऑटो रिक्शा चालकों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उत्थान के साथ उनके अधिकारों की रक्षा, समाज में उन्हें उचित स्थान दिलाना है ताकि वे पूरे सम्मान के साथ जी सके। इस फाउंडेशन का बृहद वाक्य है संगठन, सहकार्य और सेवा भाव। इसमें संगठन का मकसद है ऑटो रिक्शा चालकों पर होने वाले अन्याय के विरोध में संगठित होकर उनके अधिकारों के लिए लड़ना और उन्हें न्याय दिलाना। हर ऑटो रिक्शा चालक की उनके सुख दुख और मुसीबत के वक्त हर संभव मदद करना सेवा भाव से तात्पर्य है। इस फाउंडेशन के माध्यम से हर ऑटो रिक्शा चालक की सेवा करना ताकि वह किसी और पर निर्भर ना रहे। टाइगर ऑटो रिक्शा संगठना फलक का उद्घाटन विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष विलास भालेकर ने किया। इस दौरान टाइगर ऑटो रिक्शा संगठना अध्यक्ष जावेद शेख, उपाध्यक्ष रवि सुखदेवी, सचिव प्रकाश साकरे, डोंगरगांव शाखा अध्यक्ष महेंद्र झगड़े, अध्यक्ष पीताम्बर जी वांड्रे, सचिव प्रफुल्ल झगड़े, सदस्य आकाश जाधव, प्रेमनाथ पाटिल, नितेश कोल्हे समेत अन्य लोग उपस्थित थे। आज ऑटो रिक्षा चालक हा धावपळीचं जीवन जगतो आणि त्याच्यामध्ये त्याच्या परिवाराला सुरक्षा कुठेच नाही। शासनाच्या वतीने ऑटो रिक्षा चालकाला जी सुरक्षा द्यायला हवी ती सुरक्षा सरकार देत नाही आहे। आजपर्यंत ऑटो रिक्षा चालकाला सरकारने ना सेवकाचा दर्जा दिला ना व्यावसायिकाचा दर्जा दिला। आम्हाला कळायला मार्ग नाही की आम्ही लोकांची सेवा करतो तर आम्हाला सेवक म्हणून संबोधले जात नाही, किंबहुना आम्ही व्यवसाय करतो तर आम्हाला व्यावसायिकही समजल्या जात नाही। आमची गणना कुठे आहे हेच आम्हाला कळत नाही। काय मागणी राहणार आहे शासनाकडनं आपली? शासनाकडनं आम्ही ऑटो रिक्षा चालकांच्या परिवाराच्या कल्याणार्थ ऑटो रिक्षा चालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करावं या संदर्भात सातत्याने 16 वर्षापासून आम्ही सरकारशी भांडतो आहोत। सरकारने अद्यापही ते कल्याणकारी मंडळ स्थापन केलेलं नाही, तर तत्पूर्वी ऑटो रिक्षा चालकांच्या परिवाराची सुरक्षा कशी करता येईल या हेतूने ऑटो रिक्षा चालक कल्याणकारी वेलफेअर फाउंडेशनची आम्ही स्थापना केलेली आहे। जास्त वेलफेअर फाउंडेशनमध्ये ऑटो रिक्षा चालकाच्या परिवाराची संपूर्ण सुरक्षा होईल। त्याच्यामध्ये त्याच्या मुलीच्या लग्नाला हे फाउंडेशन त्याला 50,000 रुपये मदत करेल। BCN न्यूज के लिए हिंगना से आशीष कुंडाने की रिपोर्ट।